यहाँ पर आपको मैंने इनवाइट किया है जस्ट फॉर इनफॉर्मल इंटरेक्शन, लेकिन खुशकिस्मती या बदकिस्मती बीच में ही कुछ ये जो हुआ है, बीजेपी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, डिप्टी मेयर को नाम लिया गया है बार बार, तो मैं आप बरादरी से ये बेसिकली गुजारिश करना चाहता हूँ कि बर्फगिरी मैं एक्सपेक्ट करता था कि आपके व्हाट्सएप और मैसेजेस के बौछार आएंगे, क्योंकि आप लोग हर जगह होते हो, अपडेट होते हैं। हाँ, किसी ने फोन किया था शारजा ग्राउंड पे ऐसे प्रॉब्लम है, मैंने सॉल्व की, 3 फोन मेरे पास मीडिया फ्रेटर्निटी से कुल आए, बाकी 870 कॉल्स जो मेरे पर्सनल मोबाइल पे आई वो लोगों की आई। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी तरह एक स्टेक होल्डर हैं, आप भी जागो, मुझे सिखाओ कहाँ क्या करना है, उस पर ये थी। दूसरा जो कल मैंने बोला है कि मैं बीजेपी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं बीजेपी का पार्ट नहीं हूँ, मैं बीजेपी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि हमारा मेयर जो जुनैद अजीम मत्तू साहब, उनके बीजेपी के मेयर हैं, उन्होंने उसको सपोर्ट किया या क्या किया क्या नहीं किया, बखूबी मैं उनका खैर मकदम करता हूं कि आपने ये तो वाजिया कर दिया कि शेख मोहम्मद इमरान एक अदना सा डाउनटाउन से जो बिलोंग करता है, अब बिजनेसमैन था या बॉयकॉट फैमिली से बिलोंग करता है, उसने ख्वाब देखा था डिप्टी मेयर बनने का और उसने कहीं ना कहीं टांग अड़ाई है। फिरका परस्ती की बात हुई, फिरका परस्ती की बात, आप अपने कमरों में उन बीजेपी के दफ्तर हाई सिक्योरिटी अंडर के, पहले तो आपके पीएसओ के गन लिए गए थे, जब किसी और के लिए जाते हैं वो पीएसओ सस्पेंड होते हैं, जब किसी और के लिए जाते हैं वो एसएसपी सस्पेंड होता है, तो आपके तो अभी भी गन के बगैर भी पीएसओ वही है, कुछ हुआ नहीं है। फिरका परस्ती के ऊपर उठिए, आप तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप तो किसी की विड्रॉ कर रहे हो, किसी का कुछ और कर रहे हो, ये आप देख लो, ये सब लोग जानते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं आप आइए लाल चौक में घंटाघर के सामने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दीजिए, तब बात बनेगी। बीजेपी को यहाँ पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, मेरे दिल का हाल जो आप सुन चुके हैं मेरी जबानी, ये बखूबी सारी कश्मीर जानती है। हाँ, मुझे मैंडेट दिया गया डेवलपमेंट के लिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है मुझे लोगों का, लेकिन ये दोगलापंथी नहीं चलेगी। कश्मीरी ने कभी नहीं बोला कि डेवलपमेंट एंड मनी एट द कॉस्ट ऑफ एस्पिरेशंस एंड सैक्रिफाइसेस। वी हैव ऑलवेज सेड वी वांट डेवलपमेंट बट इन कीपिंग इन व्यू एस्पिरेशंस एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर पीपल। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम लोगों ने हड़ताल किया था, हड़ताल किया हमने, 8-8 महीने सर्वाइव किया, तब हमने नहीं बोला हमारा नुकसान हो रहा है। आपको ये समझना चाहिए, आप उन हाई सिक्योरिटी एरिया से निकल के ग्राउंड पर आइए, लोगों को पूछिए कि क्या आप चाहते हैं। मैंडेट मिला है डेवलपमेंट का, लेकिन मैं मैंडेट डेवलपमेंट में अपने कश्मीरी या श्रीनगर के भाई को बेचने नहीं दूंगा। कोई भी यहां बिकाऊ नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस डेवलपमेंट के नारे पर आप हमें खरीद लोगे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी आप गफलत में हो। बाकी रेप के बारे में जैसे आपने आपने पासिंग रेफरेंस दिया, मुझे शर्म आई उसको सुनने में। रेप हुआ है, ऑनरेबल गवर्नर को बोलिए, अगर आपकी सरकार है, आपके अपॉइंटेड गवर्नर हैं, आप मोदी जी की तारीफ करते हैं, उनका और मेरा स्टेचर कहीं मैच ही नहीं है। मुझे कहां बौखलाहट आएगी, डेप्यूटी मेयर श्रीनगर, कहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द स्टेज साइज एवरीथिंग इज डिफरेंट। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं रेप के बारे में, अगर मैं कल निकला, मेरी तंजीम निकली, हम बानीहाल में निकले, यहां निकले, आप निकल लिए, ये ऐसे नहीं चलेगा कि आप बोलोगे मुस्लिम हिंदू सिख किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। हर कोई हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएं हैं, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहा हूं, रजिस्टर कर रहा हूं यहां पर आपके सामने कि जो आपने बोला, आपको माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। बाकी फोबिया की बात आपने की, मुझे कोई बीजेपी का फोबिया नहीं है, आपको मेरा फोबिया हो चुका है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़के इंडिपेंडेंटली मैं लड़ा, मैं कोई कांग्रेस के कठपुतली नहीं हूं, जैसे आपने अपने किसी और को ओहदेदार को कठपुतली बना के रखा है, सिट डाउन स्टैंड अप करवा रहे हैं। मैं इंडिपेंडेंट हूं, आई हैव माय सेंटिमेंट्स, आई हैव माय एस्पिरेशंस, आई हैव फॉट इलेक्शंस फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज इज एविडेंट सिंस आई सैट ऑन द चेयर। मैं सड़कों पे होता हूं अपने लोगों के लिए और अपने लोगों की मुसीबत दूर करने के लिए यहां पर आया हूं। बाकी आप किसी भी कश्मीरी को अपने हक को बुला नहीं सकते हो डेवलपमेंट के लिए, आप तो डेवलपमेंट इज पार्ट एंड पार्सल, बिजली पानी सड़क। आप बेंगलोर में देखो, वहां लोगों को नहीं मांगना पड़ता है बिजली पानी सड़क, दिल्ली में नहीं मांगना पड़ता है, वहां पर बेसिकली कॉरपोरेटर्स एमएलएज या गवर्नमेंट मशीनरी दे डू इट ऑटोमेटिकली। लेकिन यहां बदकिस्मती जहां देखो नौकरी बिजली पानी सड़क भीख और रिश्वत,
अब इस चीज के लिए हमें 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 अगर मैं रोड पे आता हूं, आप कहते हैं मुझे बौखलाहट आई है, ये आपकी गलतफहमी है, आप इन बड़े बड़े दफ्तरों से निकलिए। मैं ये बोलना चाहता हूं जो वहां पर तीन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही पहले जो उन्होंने की बात की मेरे साथ, 50 लाइटों की लेटर भेजी, बड़ी बाइज्जत तरीके से मैंने बात की और उसको ऑनर किया है। अब वो वहां पर बैठ के अगर ये चीज बोलेंगे तो ये साफ जाहिर है, मेरे दफ्तर आइए, मैं लेटर दिखाता हूं कि कैसे ये लोगों को झूठ बोलते हैं, कैसे लोगों को इन्होंने बहकाया है, कैसे इन्होंने झूठे डेवलपमेंट के सपने दिखा के उनको लगा कि बस यहां पर सब भूल जाएंगे। डायलॉग होना चाहिए, इस कुर्सी पे बैठ के मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन मैं बखूबी बोलूंगा, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा हूं, जितनी छोटी मेरी कुर्सी है ये रही या नहीं रही, लेकिन मैं जिस बात पे कल था उस बात पे आज हूं, और वो बात मैं वाजिया करना चाहता हूं, आप लोग मेरी तरह दिन में लाल चौक नहीं घूम सकते हो, मैं लाल चौक घूम सकता हूं। बीजेपी के लेबल लगा के आप ये फोटो अपने ये बीजेपी का लगा के मेरे साथ आइए, जामिया मस्जिद चलते हैं, मैं देखूं कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। इन कमरों में हाई सिक्योरिटी जोन में दो तीन बंदे बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हो, कभी वाजपेयी जी का कोई ड्रामा बना देते हो, कभी किसी और का कुछ ड्रामा बना देते हो, ये फंक्शंस बाहर कीजिए, मेरी तरह सड़कों पर आइए, लोगों से गले मिलिए, ये सियासत भूल जाइए जो सियासत आपकी बौखलाहट ला चुकी है, कि हम जो कमरों में डिसाइड करते थे, हम एक तानाशाही बन चुके थे वो करते थे, अब वो नहीं रहा, अब थिंग्स हैव चेंज्ड, यूथ इज कमिंग। आज बड़े ही अच्छे अफसर ने रिजाइन किया है, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, अच्छे अच्छे लोग आए हैं पॉलिटिक्स में जो आ रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं। बाकी पार्टी कौन है, कौन सी उन्होंने ज्वाइन की या नहीं की, मैं वो नहीं जानता हूं। मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूं, कम से कम मुझे शुक्रगुजार रहना चाहिए, आपने खुद बोला कि आप बेसिकली बीजेपी का मेयर है, बहुत ही शुक्रगुजार हूं आपका। इसके साथ साथ खिदमत करने निकला हूं, खिदमत का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को बुला दूं कि आप लोग बस सारे मसले बुला के खिदमत पे आ जाओ, हम पैसे से लोगों को खरीदने नहीं आए हैं, आप इन दफ्तरों में ये समझ जाइए कि पैसे से बिकाऊ कश्मीरी नहीं है, ये हम दिखा चुके हैं, हम दिखा रहे हैं। हाँ, बिजली पानी सड़क मजबूरी है, और अगर दो वकील हुए हैं इससे पहले, एक वकील हमारी पाकिस्तान के साथ वकालत करता था, एक वकील हिंदुस्तान के साथ वकालत करता था, वो चीजें मुझे लगता है कश्मीरी समझ चुका है कि हम एक वकील हैं, एक ही वकील अब आपसे बात करेगा। बाकी कॉरपोरेशन में बीजेपी हमारा हिस्सा है, हम उनका काम कर रहे हैं, वो लोगों का काम कर रहे हैं, हमें कोई आपस में रंजिश नहीं है। जिस हिसाब से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे खिलाफ कहना चाहा, वो लोग समझ चुके हैं। मैं आपके जरिए भी एक क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, लाउड मैसेज देना चाहता हूं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ बीजेपी। कल अगर मैंने कोई बयान दिया है बीजेपी के खिलाफ दिया है, उसकी बौखलाहट आप जाहिर मत कीजिए। कांग्रेस इज पार्ट ऑफ माय कोलेशन, दो तीन स्टेटें वहां आप हार गए, आप उसकी बौखलाहट भी इस अदना से शेख मोहम्मद इमरान को दोगे, ये जायज बात नहीं है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, उन कमरों से निकल के जरा सड़कों पर आइए, तब बात होती है। क्या सवाल सर, अल्ताफ साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि अगर ये आपस में जो आप और मेयर साहब के बीच में व्हाटएवर जो आपके बीच हो रहा है, अगर इन्होंने ये बंद नहीं किया, दे विल विड्रॉ देयर सपोर्ट, उस पर आपका क्या कहना है? चार लोग उनके हैं, चार लोग के विड्रॉ सपोर्ट करने से मुझे लगता है मेयर साहब जो उनके बीजेपी के हैं, अगर वो ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट उन्हें जिन्होंने वोट किया है वो भी बीजेपी के साथ हैं, मैं यही बोलूंगा यार, उसका छोटे से कमरे में हाई सिक्योरिटी जोन से बाहर आओ, आप बाहर आके ये तो देखो माजरा क्या है, आप बाहर आके ये तो देखो शेख मोहम्मद इमरान कर क्या रहा है, आप वहां पर टीवियों पे देख के जो ये राजनीति रचते हो, मेयर साहब और मेरे बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस एक तरफा, लेकिन उससे श्रीनगर शहर को हम सफर नहीं होने देंगे। जहां मेरी जरूरत मेरे मेयर साहब को होगी अपने श्रीनगर शहर के लिए, आई विल गो टू एनी एक्सटेंट फॉर दैट, अपने लोगों के लिए जहां उसकी जरूरत मुझे होगी, मुझे लगता है कि उसको भी आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, बाकी मैं बीजेपी से उतनी ही जो है नफरत रखता हूं जितनी हर एक कश्मीरी रखता है। इमरान साहब, आपको नहीं लगता है कि जो एसएमसी है ये सियासी अखाड़ा बन चुका है, वहां पर सिर्फ सियासत के बगैर और कुछ हो नहीं रहा, और सबसे बड़ा ये मसला है कि स्मार्ट सिटी का जो मसला था, जो ख्वाब था, वो दांव पर लग चुका है। स्मार्ट सिटी का खाब दाव पर नहीं लगा है, स्मार्ट सिटी की जो प्लानिंग है, कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने की है, जो भी बसें मैंने कहा, मैं बसों में बैठा, वो बसें आएंगी, ड्रेनेज बनेगी, जो भी आपने देखा मैंने एक्टिविटीज की होंगी, आप उनको मार्क कीजिए, दोज थिंग्स विल हैपन। आई एम गोइंग टू ओपनली टेल यू टुडे दे व्हाटएवर आई डिड, आई हैव अग्रेसिवली फॉलोड दैट, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय कॉर्पोरेटर्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे डोंट टेक अस एज ऑफिसर्स, वी आर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, वी रिप्रेजेंट
योर वोट, योर वोट इज विथ डेवलपमेंट एंड सेंटिमेंट, योर वोट इज नॉट ओनली फॉर दिस थिंग। हाँ, अगर ये सियासी अखाड़ा है, मुझे एक बात बताइए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ सियासी अखाड़ा नहीं है? सियासत हमारा पेशा है, सियासत हमारा पेशा मतलब अब है, हम तो सियासतदान नहीं है, लेकिन सियासत इस चीज के लिए है कि ये सियाह नहीं है, हमें डेवलपमेंट के लिए सियासत है, लेकिन साथ साथ में इन कीपिंग इन व्यू द एस्पिरेशंस एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ द पीपल। इमरान साहब, ये बताइए कि ये जो आप हमें प्रेस वाले जो है इनके लिए एक काम सा अब बन गया कि मामूल के मुताबिक एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कहीं मेयर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं वहाँ से बीजेपी बुला रही है, आखिर ये कब तक चलेगा? आप ये चीज़ देख लीजिए कि अल्लाह ताला का शुक्र है इन सब प्रेस कॉन्फ्रेंसों से एक चीज़ वाजिया है कि मैं पार्ट ऑफ बीजेपी नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर प्रेस को बुलाया जाता है, मैं बहुत शुक्र पड़ता हूँ रोज आप मुझे अकाउंटेबल बना रहे हो या मैं अपने आप को अकाउंटेबल और आंसरेबल बना रहा हूँ। और इस मुहिम के साथ मैं कहता हूं, अमेरिका अगर किसी ने बनाया, वो मीडिया ने बनाया। अगर हिंदुस्तान आज किसी पोजीशन में है, हुकूमत हिंद या नरेंद्र मोदी जी, इज बिकॉज ऑफ मीडिया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, हमारी गिरेबान ऐसे ही पकड़िए, हमें चौराहे पे सवाल कीजिए, जैसे मैं आपको बुलाता हूं या कोई और मेरी वजह से आपको बुलाता है। वी आर आंसरेबल, वी आर अकाउंटेबल, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। जैसे आपके घरों में नौकर एक है, वैसे ही मैंने अपना पेशा लोगों की नौकरी का चुना है और मैं हर किसी बात का जवाब दे हूं लोगों के सामने। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर चलाइए, हमें रोज आप खड़ा कीजिए कटेरे में कि आपने हमारे लिए क्या हम किया, नहीं खड़े कर रहे हैं, आप ही लोग हमें खड़े। मैं मेरी वजह से आप खड़े होते हो, मेरी वजह से मेयर साहब बुलाते हैं, मेरी वजह से बीजेपी बुलाते हैं। चलो शुक्र कोई तो उठा। अगर मेरे जैसे आप 100 बंदे यहां शहर में हो गए, हर कोई कटेरे में खड़ा होगा। एंड वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, लेट मी टेल यू दैट when I went into contested these elections, I have made up my mind, I am going to be a servant of every individual who whether messages me on social media, who either contacts me on phone or anything. Hamara pesha nokri hai, hum nokar hain aapke, aap jahan bulaoge aayenge, jahan aapko aapke zariye logon ko message dena chahenge, aapko guzarish karenge, yaar aa jao hamare paas, hamari baat aage pahunche. Sir, sahab reports, kai reports hai ki jo municipal government sir wahan par gair kanuni kamra bhi ho rahe hain, aap bhi प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि जो एग्रीकल्चर लैंड पर म्युनिसिपल हदूद में जो एग्रीकल्चर लैंड को फिलअप किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि इसमें बिग गन्स है, जो बड़े बड़े दलाल है वो उसमें उतर चुके हैं। तो क्या SMC का ये दायरा नहीं है, ममता उनका दायरा कार नहीं है कि वहाँ पर वो मुदाखलत करे? और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ साथ SMC भी वो है। शहर के रईसों के लिए मेरी एक मैसेज है, इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। अपने आप को आप इतना रईस मत समझो कि यहां गरीबों को कुचल दिया जाएगा। जहां जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं आपके जरिए बयान दे चुका हूं, और गवर्नमेंट हैज टेकन अ कॉग्निजेंस जस्ट 2 डेज बिफोर। आप 15 तारीख से देखेंगे, अगले हफ्ते से देर बी मैसिव एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, बटमालू, करानगर, स्किम्स, SMHS, इट्स अंडर कैलेंडर। अब इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां जहां हो रही है, वी आर गोइंग टू ऑल ऑफ द कॉर्पोरेटर्स हैव बीन एडवाइज्ड एंड डायरेक्टेड दैट दे आर गोइंग टू देयर वार्ड्स। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उनको भी मैं आपके जरिए एक अपील करना चाहता हूं, बंद कीजिए, नुकसान होगा। आप हमारे पास आइए, बाजाबिता परमिशन ले लीजिए, या आप अपना रेगुलराइज कराइए, जितना हमारा मास्टर प्लान जहां पर भी आपको अकोमोडेट करेगा, हम दिल खोल के, कोई भी नाजायज पैसा रिश्वत भीख मांगने की जरूरत कहीं नहीं है, दफ्तर आइए। उसके मजीद बंकर्स बन रहे हैं, मेरे पास मैसेज आई है कि कोई 54x1 करानगर में कोई टिकू जी है, ही वॉन्ट्स टू कम बैक, ही वॉन्ट्स हिज मदर शुड डाई हियर। आई हैव स्पोकन टू DIG CRPF IG CRPF, बंकर जहां जहां बन रहे हैं वहां हमारे JK पुलिस के मंजूरी से वो बन रहे हैं। मैंने परसों मीटिंग रखी है उनके लिए, उनके साथ, और उनको चिट्ठी एक निकाली है कि ये बंकर बनना बंद कर लीजिए। एक तरफ से नॉर्मल सी के हम बड़े बड़े दावे करते हैं, दूसरी तरफ से बंकर बना रहे हैं, इट डजंट मैच। एंड वेयर एवर इट इज नेसेसरी टू रिमूव द बंकर, वी विल गो एंड रिमूव इट, वी हैव रिक्वेस्टेड देम। एंड साइड बाय साइड जो कंप्लेन्स आ रही है उनके कैंप, जैसे सिराज चौक में है या कहीं पर है, वो तार कंसर्टिना वायर लगा रखे हैं, वहां चल नहीं पाते हैं। मुझे बताइए, आई हैव डन वेरी लो प्रोफाइल ड्राइव एंड देर आर 3 places where I have removed it।
tell me where it is to be done. I will personally come. I will personally go along with all of you. I'll ask the officer, officer, please tell me, what is the necessity? If this can be avoided, please help me. Imran sahab, ek question tha, Norway ki ek interaction chal rahi hai is pe na. Congress ne, state Congress ne kaha ki third party intervention nahi honi chahiye. Kaafi role bhi aaye the ki aapne is pe role kiya hai kuch khabron mein. Magar Congress, state Congress ne kaha ki कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी अगर नॉर्वे का पीएम इस पे, आप इस पे क्या बताएंगे? नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर जो आया है, देखिए हठधर्मी कहीं नहीं चलती है। मैं अपनी जाती राय दूंगा, हठधर्मी कहीं चलती नहीं है। नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आए, ऑस्लो सेंटर से आए, श्री श्री रविशंकर जी ने उसमें रोल प्ले किया, मैंने उसमें हेल्प की, मैंने इंटरेक्शन कराई, चाहे वो हुर्रियत लिबनान हो, चाहे वो मियां कयूम साहब हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे लॉ जो भी है, या कॉर्पोरेटर्स हों इलेक्टेड। मुझे लगता है कि जब दो में लड़ाई होती है, वो दो खुद बैठ के फैसला कहीं नहीं करते हैं। इंटरवेंशन इज नेसेसरी एंड वी हैव टू बी द पार्ट फर्स्ट। आई डोंट नो व्हाट द सॉल्यूशन विल बी, आई कांट कमेंट, आई डोंट नो व्हेदर दिस इज राइट और दैट इज राइट, बट टॉक्स हैव टू बी देयर। थैंक यू सर, थैंक यू।